नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों कई बार मैंने आप सभी को बताया है और मुझे लगता है कि मैंने जब शुरुआती में वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था उस समय मैंने बता दिया था WDR के बारे में, बट काफ़ी कमेंट आते हैं कि WDR इसमें है कि नहीं है, कैसे पता करें कि इस मॉडल में WDR है या नहीं है, WDR काम कैसे करता है, क्या है, क्या फ़ायदा होता है, ये तो हमें पता है, बट कौन से ऐसे फीचर हैं जो WDR है तो ऑटोमेटिक वो दो तीन फीचर आपके कैमरे में रहते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। एक और चीज़ है DWDR, ये क्या है भाई साहब, क्योंकि ये भी कई कैमरे में रहते हैं, तो आखिरकार डिफरेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये किस तरह से आपको फ़ायदा करता है और आपको कौन कौन से फीचर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं WDR आपके कैमरे में होने से, इन सभी चीज़ों को समझते हैं आज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा गलती करते हैं और बाद में पूछते हैं कि इको वाले कैमरे में, ये वाला कैमरे में WDR है या नहीं है, या फिर आपके DWDR है तो क्या ये वाला फीचर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सवाल अब आपका खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं WDR है क्या। WDR को हम लोग डिटेल में अगर देखते हैं, नेट पर भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट में, वाइड डायनेमिक रेंज। अब इसका काम क्या होता है, जहां पर लाइट जो है एक तरह से नहीं होता है, यानी कि दो तरह के लाइट, यानी कि डार्क और ब्राइट, ये दो तरह के लाइट रहते हैं, ऐसे कंडीशन में आपका कैमरा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किस पार्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा। ऐसे में क्या होता है कि बेहतरीन तरीके से कैमरा आपके उस पार्ट को नहीं दिखा पाता या फिर किसी एक पार्ट को क्लियर दिखा पाता, ऐसे में आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो पार्ट नहीं दिख रहा सही से उसे कैसे देखें। अगर उसके लिए आप एडजस्ट करते हैं तो जो पार्ट दिख रहा वो नहीं दिखता, तो इसलिए WDR जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर WDR काम कैसे करता है, अगर WDR आपके कैमरे में है तो ना जाहिर सी बात है दो फीचर आपके कैमरे में जरूर होंगे, मैंने कई बार आपको बताया, एक स्लो शटर और दूसरा शटर स्पीड यानी फास्ट शटर स्पीड। अब ये दोनों क्या है, तो इन दोनों चीज़ों को समझते हैं बिल्कुल ही बारीकी से, ठीक है। स्लो शटर मैंने कई बार बताया कि स्लो शटर का काम तभी होता है जब बहुत डार्क एरिया होता है और कैमरा बेहतर पिक्चर ले पाती है, नहीं डार्क में भी क्लियर पिक्चर ले पाती है, स्लो शटर का काम वहां पर होता है, तो स्लो शटर। और इसके बाद बात आती है शटर स्पीड यानी कि फास्ट शटर स्पीड की, तो फास्ट शटर स्पीड मैंने कई बार बताया कि अगर गाड़ी मूव कर रही है बहुत फास्ट, सामने से गाड़ी मूव कर रही है या फिर फैन बहुत तेजी से चल रहा, तो इस तरह के कंडीशन में जो है फास्ट शटर स्पीड आपके कैमरे में होगा, जितना फास्ट होगा उस जो कार है या फिर वो फैन है उसे क्लियर देख पाए। अब अगर उसे क्लियर देख पाएगा तो उसके गाड़ी के नंबर प्लेट को भी क्लियर देख पाएगा, ऐसे में ब्राइट एरिया यानी कि ओवर ब्राइट और फास्ट मूवेबल चीजों को देख पाता है शटर स्पीड, फास्ट शटर स्पीड होने पर। तो अब यहां पर क्या है कि WDR जो है स्लो शटर और फास्ट शटर स्पीड इस दोनों का कंबाइंड रूप है, यानी कि WDR अगर आपके कैमरे में है तो जाहिर सी बात है कि स्लो शटर भी होगा फास्ट शटर स्पीड भी होगा, यानी कि अगर आपका डार्क एरिया है तो उसे जो है क्लियर लेने की क्षमता रखता है, प्लस अगर बहुत ब्राइट है तो उसे भी क्लियर लेने की क्षमता रखता है WDR वाले जो टेक्नोलॉजी जिस कैमरे में होते हैं वहां पर, तो इस तरीके से काम होता है। दूसरी बात कि WDR जो होता है सेंसर बेस्ड काम करता है, आपके कैमरे के में जो चिपसेट होती है कैमरे में, DVR नहीं, कैमरे में जो चिपसेट होती है वो काम करता है, तो चिपसेट जो होता है सेंसर बेस्ड काम करता है, इसलिए ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये वर्क करता है। इसी के मुकाबले जो कि आप सभी को कंपनी जो है थोड़ा आंखों में धूल झोंकने के लिए एक DWDR दे दी है, जब WDR वाले बातें काफी आगे चले तो DWDR कंपनी ने दे दिया। DWDR क्या है थोड़ा ये समझते, ये आपको सब में मिलेंगे, इको वाले भी कैमरे में मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि DWDR क्या है, तो देखिए डिजिटल वाइड डायनेमिक रेंज, ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड पे काम करता है, जैसे कि जूम वाले सिस्टम में होता है, जैसे जूम में ऑप्टिकल जूम आपको पता है PTZ कैमरा ऑप्टिकल जूम करता है तो लेंस जूम करता है तो क्लियर दिखता है, और डिजिटल जूम क्या होता है आप अपने फोन से जो है स्लाइड करके जैसे आप पिक्चर को बढ़ाते हैं उसी तरीके से डिजिटल जूम होता है, तो डिजिटल जूम तो सॉफ्टवेयर करता है, वहां पर तो जो पिक्चर एज इट इज वही है, बस वो पिक्चर को बड़ा करते हैं यानी वो पिक्चर फटने की संभावना पूरी तरह से रहती है, कुछ इसी प्रकार से DWDR काम करता है, आपका सॉफ्टवेयर काम करता है वहां पर, सॉफ्टवेयर अपने तरीके से बेहतर पिक्चर लेने की कोशिश करता है जो सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाता, क्योंकि इको काले DVR में वो बात नहीं होती, कई NVR के में जो है वो चीजें नहीं होती, क्योंकि NVR में तो कैमरा सारी चीजें करके NVR को ट्रांसफर करता है, ऐसी स्थिति में आपको जो है DWDR बस
सिर्फ आपको नाम मात्र दिया जाता है, यह आपके लिए बेहतरीन नहीं है। तो इस कारण से आपको DWDR नहीं लेने चाहिए, WDR लेने चाहिए। अब बात आती है कि WDR वाले कैमरे हम कहाँ लगाएं। WDR वाले कैमरे आप उस जगह पर लगाइए जहाँ पर लाइट अनबैलेंस हो, कहीं पर लाइट हो पूरा, यानी विंडोज वाला एरिया, डोरवेज वाला एरिया, बेसमेंट वाले एरियाज, इस तरह के जो एरिया है जहाँ पर लाइट जो है, दो तरह के लाइट आपको मिले, तीन तरह के लाइट मिले, WDR फंक्शन अगर आपके कैमरे में, फीचर कैमरे में है, इनेबल कर दीजिए, तो आपको सारी चीज़ें मिलाकर एक बेहतर पिक्चर कैमरा आपको दे देगा। तो WDR बहुत जरूरी है उन सभी जगहों पर। इसके बाद अब बात आती है कि WDR किस तरह के कैमरे में होते हैं। एनालॉग HD कैमरे की बात करें तो HD कैमरे में हमेशा से इस बात को याद रखिएगा कि WDR सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अभी के समय में कलर व्यू में है, यानी कलर व्यू 2MP 5MP में आपको WDR है, वो भी याद रखिएगा, वो भी सिर्फ मेटल बॉडी वाले में। और एक आपका DF3T वाला आता है हिकविजन में, DF3T वाला मॉडल, उसमें आपको WDR देखने को मिलता है। बाकी जितने भी मॉडल हैं उसमें WDR देखने को फिलहाल तो नहीं मिला। DWDR वाले अलग से कैमरे आते थे जो D3T वाले सीरीज थी, बट वो काफ़ी कम सेल होते थे। DF3T याद रखिएगा कलर व्यू में, और आपका जो मेटल बॉडी वाले जो कलर व्यू कैमरे हैं विजन के, उसमें आपको WDR देखने को मिलेगा। अब 5 मेगापिक्सल आप ले रहे हैं तो 5 मेगापिक्सल आप सोचते हैं कि 5 मेगापिक्सल में क्यों नहीं लेता भाई साहब। 5 मेगापिक्सल आपको 3D DNR भी नहीं मिलता, आपको 2D DNR मिलता है नॉर्मल, और इसके साथ साथ WDR भी नहीं मिलता। सिर्फ लेंस 5 मेगापिक्सल होने से आपको बेहतर पिक्चर नहीं मिलती, इसलिए 5 मेगापिक्सल में भी ये चीज़ है फिलहाल नहीं है। तो एनालॉग में ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास WDR के लिए। अब बात करते हैं IP। अगर आप IP में जाते हैं, जाहिर सी बात है IP में जाते हैं तो आपको बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो कि बेहतर पिक्चर ले, तो आप सिंगल लाइन में जाते हैं, क्योंकि कस्टमर तो आपको बताता नहीं। सिंगल लाइन में आपको बता दो DS2CD1 रहे तो ये सिंगल लाइन है हिकविजन का, अगर यहाँ पर DS2CD के बाद 2 रहे तो ये डबल लाइन है, ये आपको पता है। तो आप जैसे सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में आपका 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल में आपको नहीं मिलेगा WDR, IP कैमरे में नहीं मिलता है। कहाँ पर मिलता है? 4 मेगापिक्सल वाले में मिलेगा मैक्सिमम। अब नए 4 मेगापिक्सल वाले मारे, 4 मेगापिक्सल H.265 कंपैरिजन भी मिल रहे हैं, 6 मेगापिक्सल वाले, 8 मेगापिक्सल जो 4K वाला मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था उसमें भी है। ऑडियो इनबिल्ट वाले जो कैमरे हैं, जो यू सीरीज वाले हैं, उसमें भी सिंगल लाइन में नहीं है। तो हमेशा ये याद रखिए कि सिंगल लाइन में आपको DWDR मिलता है, WDR नहीं मिलता। सेकंड लाइन में आप जाते हैं तो सेकंड लाइन में 2 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल में तो खैर नहीं रहता, बट 2 मेगापिक्सल से ऊपर आपको स्मार्ट फंक्शंस मिलते हैं जिसमें WDR का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी आपके कैमरे की पिक्चर क्वालिटी अगर आप देखते हैं कि नहीं मुझे बेहतरीन दिखे, क्लियर दिखे, मुझे समझ में कुछ आए, तो याद रखिएगा WDR बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैमरे में। चाहे किस भी ब्रांड का आप कैमरा लें, WDR इस तरीके से काम करता है जो मैंने आपको बताया, और DWDR कैसे काम करता है ये मैंने बताया। अब डिसीजन आप पर है कि कौन सा कैमरा आप लेते हैं, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि हमेशा से आप ऐसे फीचर्स वाले कैमरे को आप लें जो आपकी पिक्चर क्वालिटी को इन्हेंस करे। मेगापिक्सल कुछ नहीं रखता, आपको स्मार्ट फीचर वगैरह, स्मार्ट इवेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें अब जरूरी है आपके कैमरे में बेहतर पिक्चर, ताकि आपका कैमरा ले सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।